अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, कल मेरा विज़िट हुआ सरगोधा का, वहाँ पे जाके मैंने किन्नुओं के बाग में गया, एक वीडियो बनाई। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वीडियो वहाँ पे वीडियो बनाने के बाद क्यों बना रहा हूँ। पहला वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी ऑफ ईगल्स एंड द सिटी ऑफ किन्नू सरगोधा। यहां पे आप जानते हैं कि 80% पूरे पाकिस्तान से जो किन्नू की प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ सरगोधा से होती है, और तकरीबन 2.5 बिलियन का बिजनेस किन्नू की वजह से जनरेट होता है। किन्नू किस तरह से इनकी प्रोडक्शन होती है, कितना टाइम लगता है इनकी कास्ट में, इसकी सारी डिटेल हम जानते हैं किन्नू के मुतालिक और सरगोधा के मुतालिक। सागर साहब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सागर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितना किन्नू जो है यहाँ से जनरेट होता है और पूरी दुनिया में कितना जाता है? ये काफ़ी सारा जो सरगोधा को वैसे भी ना, यहाँ जो सरगोधा है उसका किन्नू पूरी दुनिया में से कैलिफोर्निया का दर्जा दिया गया, और यहाँ के किन्नू की जो ख़ास वजह है वो इसकी मिठास है और लज्जत है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मिठास है। इसकी मिठास की ये वजह है कि जो ज़मीन है ना, इसकी बड़ी ज़खीरा है और बड़ी ताकतवर है और ये पूरी दुनिया में जाता है। अच्छा, इसकी ज़मीन का आपने बताया कि बहुत ज़रखेज़ है, बाकी जगहों पे भी ज़रखेज़ है ज़मीन, तो क्या वजह है कि यहीं की जो किन्नू है उनकी मिठास बहुत ज़्यादा और बाकियों से बड़े मुख्तलिफ हैं? ये जी अल्लाह ताला को भी बेहतर पता है जी, लेकिन यहाँ जो किन्नू है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। पानी का तो वजह नहीं है इसका? ये बेसिकली वजह ये है कि पानी भी है और ये सरगोधा एक अब तो काफ़ी सारा फैल चुका है, और पहले इसे देहात का दिया गया था दर्जा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वसी हिस्से पर जो सरगोधा सिटी है वो फैल चुका है, इसलिए इसका जो मीठा पानी है उसकी जो हमारे इसकी बूटों की बड़ी खिदमत करते हैं, इसकी बर वक्त कटाई करते हैं, बर वक्त इसको खाद वगैरह स्प्रे वगैरह, यानी कि हम बहुत इसके ज़्यादा ध्यान रखते हैं बाग, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ऐसे ही हम बाग अपने का ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि किन्नू का एक जो दरख्त है उसको बड़ा होने में, उस पर किन्नू लगने में कितना अर्सा लग जाता है? ये कम से कम 3 साल लग जाते हैं। और किस सीज़न में किन्नुओं को उतारा जाता है? ये दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, और हम फैक्ट्री मालिक लेते हैं, ठेकेदार ले लेते हैं और वो बाहर की मंडियों तक लेकर जाते हैं, और यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं जो पॉलिश करती हैं, जो बाहर सारा श्रीलंका जाता है, यूरोप कंट्री में जाता है, अफगानिस्तान जाता है, ये माल्टा वैसे भी चाइना जाता है, और बड़ा पसंद करते हैं इस माल्टे को, सरगोधे को। पाकिस्तान में भी यही वाला माल्टा खिलाया जाता है या यहाँ पे दूसरा होता है? पाकिस्तान में माल्टा वो रह जाता है जो एंड होता है, बकाया जो ज़बरदस्त माल्टा है वो सारा बाहर चला है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि बाहर से हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं, और यहाँ जो सरगोधे में आप मेरा ख्याल है बाज़ार गए होंगे तो यहाँ दूसरे शहरों में किन्नू का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सरगोधा में आम है, और हम वैसे भी सरगोधा वाले अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को ये गिफ्ट भी भेजते हैं, क्योंकि ये सरगोधा की एक ख़ास पहचान है। नहीं, कहा जाए कि सरगोधा की सौगात और सरगोधा की पहचान तो वो किन्नू, और इसको द सिटी ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है, इसके साथ साथ किन्नुओं की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। नाज़रीन, ये सागर साहब थे जिन्होंने तमाम डिटेल बताई है मैं किन्नुओं के मुतालिक। मैं आपको बाग है इनका विज़िट भी करवाऊँगा, इनकी सैर भी आपको करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर कितने ज़बरदस्त किन्नू लगे हुए हैं, और यहाँ से मैं अभी उतार के खा नहीं सकता, वरना तो मैं आपको खा के भी दिखाता कि कितने मज़े के, क्योंकि मैं खाऊँगा बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही मज़े के किन्नू लगे हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ से किन्नू जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये किन्नू जाते हैं, जिसे लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है, ये बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, 2.5 बिलियन से ज़्यादा का बिज़नेस किन्नुओं की वजह से जनरेट होता है, और ये है मज़े का बाग, और यहाँ पर मैं घूमूंगा फिरूंगा, मैं मज़े की किन्नू खाऊँगा। आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। गैस, ये पूरी वीडियो थी जो कि आप लोगों ने देखी, आपने बाग भी देखे, वो शॉर्ट सा इंटरव्यू जो मैंने किया था वो भी आपने देखा। अब मैं जब बाद में आया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ये किन्नू और माल्टे जो इनके कितने फ़वाद हैं, ये मैं वहाँ बताना भूल गया। पाकिस्तान का सरगोधा जो 80% किन्नू की प्रोडक्शन कर रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भिजवा रहा है इसको, मगर हम लोगों को ये पता ही नहीं कि इनके फ़वाद कितने हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार हमारा गला ख़राब है, हमने नहीं खाना, यार ये वजह हमने नहीं खाना, अजीब अजीब वजहें होती हैं इसको ना खाने की, मगर ये कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले जो किन्नू है इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करता है?
विटामिन सी आपकी कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मीन्स के कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी हो जाए, आप उससे आराम से फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी या किन्नू खाने से आपके बाल और आपकी स्किन अच्छी होती है और स्किन आपकी ग्लो करती है और टाइट रहती है। इसके अलावा अगर आपको स्टोमिक एसिडिटी है, स्टोमिक पेन है, तो आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, आपकी स्किन ग्लो करता है, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग करता है, आपके निज़ाम हाजमा जो है उसको बेहतर करता है, आपके जो शरियाने हैं इनको बेहतर करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, और इसके अलावा आपके इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी याददाश्त को भी बेहतर करता है। तो ये बहुत सारे और भी इसके फ़ायदे हैं किन्नू के। सो किन्नू खाएँ, किन्नू का सीज़न है, इंजॉय करें, ख़ुद भी खाएँ, दूसरों को भी गिफ्ट करें। किन्नू बजाय बोतल देने के या कुछ और देने के, किन्नू उनको दें। किन्नू खाएं, इंजॉय करें, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।